आज मैं आपको अमलतास के पुष्प के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये अमलतास का पुष्प है जिसमें ये इसके ये नर जननांग हैं पुंग केसर और ये इसके स्त्री केसर हैं। इन दोनों के निषेचन से इसके अंदर भ्रूण का बीज का निर्माण होता है जो ये फली के रूप में दिखाई दे रहा है। ये फली अभी छोटी अवस्था में है, जब ये बड़ी हो जाती है तो एकदम ब्राउन और बड़ी हो जाती है। ये अमलतास का पुष्प वृक्ष इसकी छाल, इसका तना, इसकी पत्ती, इसका पुष्प और इसकी फली बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। आयुर्वेदिक विज्ञान के अंदर इसके बहुत सारे अनगिनत लाभ बताए गए हैं। चेहरे को सुंदर बनाना है, कब्ज को दूर करना है, गठिया बाई के रोग को दूर करना है, इसमें इसके कई फायदे बताए गए हैं। ये अमलतास के पुष्प को भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर गुलाब जल के साथ में मुंह पे लगाने से हमारे चेहरे का रंग अच्छा होता है, चेहरा खिल जाता है एकदम इस पुष्प की तरह। जिस तरह से पुष्प लहरा रहा है वैसे हमारा चेहरा भी खिल जाता है। और गठिया बाई का रोग है तब भी इसको भिगोकर, इसकी छाल को भिगोकर, इसकी फलियों को भिगोकर हमारे पैर पे इसका पेस्ट लगाए तो उससे गठिया बाई का रोग दूर होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक पौधा है। इसकी फलियों को मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ।